समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार में जमीनी हकीकत क्या है, इसे जानने के लिए राजधानी से सटे जनपद सीतापुर की नगर पंचायत सिधौली चले आइए। यहाँ एक बुजुर्ग के हालात को देखकर यह सहज ही सच्चाई सामने आ जाएगी कि मौजूदा सरकार में अंत्योदय का सपना कितना साकार हो रहा है। कहते हैं कि जिसके पैर में बेवई ना गई हो वह इसका दर्द क्या जाने। कुछ ऐसा ही हाल तहसील और नगर निकाय प्रशासन का है। शीतलहर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम जनजीवन बेहाल है। बावजूद इसके शीतलहर से बचाव के लिए अभी तक ना तो प्रशासन स्तर से कंबलों का वितरण कराया गया है और ना ही सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलवाए जा रहे हैं। नगर निकाय की तरफ से भी अभी तक कंबल नहीं बांटे गए हैं, जिससे निराश्रित ठंड से सिकुड़ते नजर आ रहे हैं। जबकि शासन स्तर से कंबल वितरण के लिए धनराशि भी जारी की जा चुकी है। जी हाँ, नगर सिधौली के रोडवेज बस स्टेशन के द्वार पर इन दिनों एक निराश्रित बुजुर्ग सर दराते पतले से तिरपाल के नीचे बिताने को मजबूर है। थाना कमलापुर क्षेत्र के हरिहरपुर निवासी राम प्रकाश रोडवेज बस स्टेशन के गेट नंबर 1 पर पीपल की छांव के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बुजुर्ग किस तरह पतले से तिरपाल के नीचे गुजर बसर करने को मजबूर है। चूंकि राम प्रकाश का कुछ माह पहले मार्ग दुर्घटना में एक पैर टूट गया था, जिससे वह चलने फिरने में भी असमर्थ हैं। उधर से गुजरने वाला कोई राहगीर उन्हें जो कुछ खाने के लिए दे देता है उतने में ही वह अपना गुजारा कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हें ठंड से बचाव को लेकर है। हालांकि अलाव के लिए उन्हें लकड़ियां मिल जा रही हैं, जिससे उनकी रात आग के पास बैठ कर बीत रही है। आई इंडिया की सिधौली देहात संवाददाता राजन भार्गव ने बुजुर्ग राम प्रकाश से बात की तो उनका दर्द कुछ इस तरह सामने आया। क्या नाम है बाबा आपका? राम प्रकाश। कहाँ के रहने वाले हैं? कमलापुर। अच्छा, आज यहाँ पे आप बस अड्डे के बाहर गेट के पास में ऐसे बैठे हैं त्रिपाल डाल के, कंबल उम्बल मिला क्या ठंडक में? नहीं था। कोई अधिकारी ध्यान दिया आप पे कि? कोई नहीं दिया, दिया था। तो आप घर वर नहीं आपके पास? घर मकान कुछ नहीं है। तो कमलापुर के रहने वाले हैं, वहाँ पे पैतृक गांव तो होगा ही आपका? भानपुर बंधेरा हरियापुर। अच्छा, तो आप बाहर कैसे हो गए? मैं बचपन के साधु हैं। अच्छा, मेरे कोई है नहीं बच्चे। किसी अधिकारी ने कंबल अभी तक नहीं दिया आप पे? किसी के धन नहीं है? कोई नहीं दिया। तो ये ठंडक में कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं? भगवान ने जो गुजारा करता है। अच्छा, और ये लकड़ी जलाते हैं कहाँ से लाते हैं? सरकार देता है। अच्छा, लकड़ी जो नगर पंचायत की गाड़ी निकलती है उससे मिल जाती है? रोज आते हैं, रोज दे जाते हैं। अच्छा, दे जाते हैं वो? रोज दे जाते हैं। अच्छा अच्छा है। तो बाकी कंबल नहीं मिला आपको? कंबल नहीं मिला। अच्छा, तो बाबा जी ये रैन बसेरा यहाँ पे बना हुआ है, आगे रैन बसेरा बना है, आप वहाँ भी रह सकते हैं बहादुरपुर में? अच्छा, परम बाबा के स्थान पर हम इसमें धूप बत्ती लगाते हैं साहब, अपना भजन करते रहते हैं। तो कंबल अभी आपको नहीं दिया गया? मामले में उप जिलाधिकारी सिधौली अनिल कुमार ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि शासन के आदेश के अनुसार पहले ग्रामीण अंचल में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए जा रहे हैं, नगर में कंबलों का वितरण बाद में किया जाएगा। नगर पंचायत सिधौली अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया कि नगर निकाय जनवरी के प्रथम सप्ताह में कंबल वितरण करेगी और तहसीलदार सिधौली वीके सिंह ने बताया कि आई इंडिया के माध्यम से जानकारी हुई है, अभी बुजुर्गों को कंबल उपलब्ध करवा दे रहा हूं। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।